जय हिंद, जय इंजोर। मैं इंस्पेक्टर चंद्रमोहन यूथ फाउंडेशन कैंप के लोग उत्तरकाशी फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूथ फाउंडेशन में। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सिन पेन कहाँ पे होता है और सिन पेन क्यों होता है और सिन पेन को दूर करने का तरीका, किन किन एक्सरसाइजों से सिन पेन को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले बताते हैं सिन पेन आपको हिल रनिंग या पक्की रोड पे या जब आप स्टार्टिंग रनिंग कर रहे हो और स्टार्टिंग से आप अगर बिल्कुल फास्ट शुरू करते हैं तो आपको सिन पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब सबसे पहले आप रनिंग करते हैं तो बिल्कुल नॉर्मली ढंग से कम हफ्ता भर 10 दिन आपको नॉर्मल चलना चाहिए, उसके बाद आपका स्टेप बढ़ना चाहिए, तब आपको सिन पेन की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हिल रनिंग में या पक्की रोड पे आपको सिन पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप वहाँ पे रन करते हैं तो पंजों में रन करना चाहिए, अगर पूरे फ्लैट में करोगे तो आपको सिन पेन की प्रॉब्लम होगी। अभी लेते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। सबसे पहले आप इस तरीके से आपका ये नॉर्मली होगा और इधर से दोनों पांव दबाएं और इस तरीके से हल्का ये, तो जब अगर आप ये दबाते हैं तो आपका ये सिन पेन क्या हो जाता है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये पूरा खिंचाव में आ जाता है। इसी तरीके से इसको ये दिखाई दे रहा, ये देखो। इस तरीके से अगर आप इस तरीके की एक्सरसाइज डेली रूटीन में करते हैं तो आपका 101% आपका सिन पेन की प्रॉब्लम दूर होगी। अभी लेते हैं इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसको बोलते हैं वज्रासन। वज्रासन में बैठे इस तरीके से आपका पूरा हिप्स का होगा, पंजों के ऊपर होगा और ये सिन पेन पूरा खिंचाव में होगा। जब हमारा इस क्वेश्चन में क्या है, ब्लड सर्कुलेशन चलता है और क्या है पांव गर्म होता है तो हमारे ये सिन पेन जो है गर्म होता है और ये दर्द कम हो जाता है। अभी लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में इस तरीके से आप लेते हैं और ये पांव दोनों क्रॉस, ये दिखाई दे रहा आपको, इस तरीके से प्रेस करना है और आपको ये पता है, ये देखो सिन पेन इस तरीके से आपका खींचा जा रहा है। इसको कम से कम इन एक्सरसाइजों को डेली रूटीन में 10 से 15 बार अगर आप करते हैं तो 101% आपकी सिन पेन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अभी लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस तरीके से लेते हुए हैं और ये देखो ये पूरा पंजा पीछे को बिल्कुल खींचना है तो इस तरीके से आपका सिन पेन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ये देखो इस तरीके से। अभी लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में इस तरीके से आप खड़े हैं और अभी इसमें क्या है, पंजों में खड़ा होना है, पंजों में वेट देना है। अब इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपका ये बैक से भी और ये इस तरीके से आप इन एक्सरसाइजों को करते हैं। अगर आप डेली रूटीन में 10 से 15 बार डे टू डे अगर इन एक्सरसाइजों को करते हैं तो आपका 101% सिन पेन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपको पहले भी बताया है फर्स्ट रनिंग धीरे तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन तक आप नॉर्मली रनिंग करेंगे, उसके बाद स्टेप बताएंगे तो आपकी सिन पेन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोग हिल रनिंग या पक्की रोड पे करते हैं तो फ्लैट पे ना भागें, इससे भी आपको सिन पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। जय हिंद, जय विदिशा।